मेडिक्स चैनल आप देख रहे हैं मेरे साथ, और आज मैं एक बार फिर से आ गई हूँ डॉक्टर मनोज सेवकानी जी के पास। और आज जानते हैं सर, आपका जो प्रोफेशन है, आप जो डॉक्टरी कर रहे हैं, तो आपकी स्पेशलिटी क्या है? मैं इन्फेक्शस डिजीज कंसल्टेंट हूँ, यानी कोई भी जात का फीवर होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, चिकनगुनिया, ये कोविड, दीज आर ऑल काइंड ऑफ इन्फेक्शंस, तो उनमें मलेरिया या कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी जो भी होती है इन्फेक्शन रिलेटेड, तो उन बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इट्स रिलेटिवली अ न्यूअर स्पेशलिटी और न्यूअर ब्रांच। जो जब मैं MBBS पास हुआ था तब तो ऐसा कुछ कोई ब्रांच थी ही नहीं। उसके बाद MBBS पास किया तो इतना मुझे समझ में आया कि मैं बहुत खून नहीं देख पाऊँगा, इसके लिए मुझे इतना कंफर्म हुआ कि मैं सर्जन नहीं बन पाऊँगा, क्योंकि सर्जरी मुझसे टॉलरेट नहीं हो रही थी। तो मैंने फिजिशियन ब्रांच चूज़ की और मैं MD की ओर आगे बढ़ा। जैसे ही MD मेडिसिन पास आउट किया, उस टाइम पे ये ट्रेंड आया कि सिर्फ MD से नहीं होगा, आपको सुपर स्पेशलिटी कोई चूज़ करनी पड़ेगी। अब उस टाइम पे किडनी स्पेशलिस्ट थे, हार्ट स्पेशलिस्ट थे, लीवर स्पेशलिस्ट थे, ये सारी बहुत अपकमिंग ब्रांचेस थी और बहुत सारे डॉक्टर्स उस ओर आकर्षित होते थे। उसके लिए आगे और 3 साल पढ़ना पड़ता था। अब मेरी खुद की घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी और एक टाइम ऑलरेडी इतना पढ़ाई के बाद और कितना आगे पढ़ पाएंगे वो भी एक इश्यूज़ थे। इसीलिए उस टाइम पे मैंने DM के लिए ट्राई तो किया, पर कुछ ज़्यादा सुपर स्पेशलिटी में मैं ज़्यादा कर नहीं पाया, इसलिए मैं MD लेवल पे वहाँ पे रुक गया। अब हुआ क्या कि ये थॉट प्रोसेस चल रहा था कि आगे कौन सी सुपर स्पेशलिटी में ज्वाइन करूँ। अब उस टाइम पे माय वाइफ, वो वहीं पे ही अपना सर्जिकल ब्रांच का लास्ट ईयर कंप्लीट कर रही थी, वो भी पढ़ रही थी, शी हैड नॉट फिनिश्ड हमारे जो सिविल हॉस्पिटल में जहाँ हम डॉक्टर बने वहाँ पे। तो उस टाइम पे वहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट हुई, एक न्यू पोस्ट आई कि किसी को भी अगर HIV ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर उनको चाहिए था, और आपको अगर डॉक्टरी करनी है वहाँ पे तो आप उस पोस्ट पे ज्वाइन करिए। तो मैं फ्रेशली पास्ड आउट था, मेरे जो सीनियर हैं, मेरे जो बॉसेस हैं, उन्होंने मुझे बताया कि देखो तुम इधर बैठे बैठे तुम्हारी वाइफ का वेट कर रहे हो कि उसकी कम्प्लीशन हो और फिर तुम बाहर प्रैक्टिस करो, उससे अच्छा तुम ये पोस्ट ज्वाइन करो, तुमको अभी हम 8,000 दे रहे हैं, उस वहाँ पे तुमको 20,000 से ऊपर मिलेगा, उसी कैंपस में आप रह पाओगे और इनको ट्रीट कर पाओगे। अब उस टाइम पे HIV ये है 2005 की बात, उस टाइम पे HIV इतना इजी गोइंग टॉपिक नहीं था, सब उसको सोशली थोड़ा सा अलग तरीके से देखते थे। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को भी ये पोस्ट ऐसी लगती थी डॉक्टर होते हुए कि भाई यार इसमें कैसे करेंगे, उनको कैसे छुएंगे, उसको कैसे ट्रीट करेंगे। मेरे लिए इतना था कि भाई मुझे कुछ उसमें बहुत पता भी नहीं था कि ये कैसे इसको ट्रीट करना है, सही बताऊं तो, क्योंकि इट वाज अ वेरी न्यू ब्रांच। बट मुझे इतना था कि भाई एक ही जगह पे रह के अगर मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है तो क्यों ना उसको एक ट्राई दिया जाए। तो उस ट्राई के हिसाब से, और मेरी वाइफ उधर ही थी और मैं कैंपस उधर से छोड़ना नहीं चाहता था, उस ट्राई के हिसाब से आई एंटर्ड इनटू दिस HIV ब्रांच। और HIV इज़ वन काइंड ऑफ एन इन्फेक्शन, तो उस ब्रांच में एक जर्नी शुरू हुई और उस जर्नी में बहुत कुछ सीखा, बहुत मैग्नेटिक वो टॉपिक लगा, पेशेंट्स के साथ इतना सोशल अटैचमेंट हुआ, वो जितने पीड़ित थे और उनको समझने में जितना मज़ा आया, उनको काउंसिल करने में जितना शांति मिली, जितना मन को संतोष मिला, तो ऐसा लगा कि आगे इसी मोड पे हम कुछ कर सकते हैं। तो वो सोच के मैं पहले अहमदाबाद में जो गवर्नमेंट का सेंटर था उसका इंचार्ज बना, उसके बाद से फिर गवर्नमेंट ने मेरा काम देखते हुए मुझे
आउट ऑफ इंडिया दो जगह पे कॉन्फ्रेंस में भेजा, सपोर्ट किया, फिर मुझे ऑफिशियल पोस्ट अपग्रेड की, 4 स्टेट्स का इंचार्ज बनाया, फिर दिल्ली में जो टेक्निकल गाइडलाइंस होती हैं जो पूरे इंडिया की एचआईवी की गाइडलाइंस बनाते हैं उसमें मुझे पार्ट लेने को मिला। तो एक तरीके से ऐसा है कि मजाक मजाक में एंटर हुए थे और उसी में ही फ्लो में ऐसा बह गए कि ऐसा लगा कि कैरियर उस हिसाब से वहाँ पे शुरू हो रहा है। और तो वो 3-4 साल गवर्नमेंट के साथ जो हम रहे और जिस तरीके से एचआईवी और उसके पेशेंट्स और उसकी ट्रीटमेंट में एक फ्लो मिला, तो ऐसा लगा कि ये एक प्रकार से एक सुपर स्पेशलिटी अपने में एक ब्रांच है। तो उस वहाँ से मैंने शुरू किया और एचआईवी के साथ साथ फिर बाकी इन्फेक्शंस की भी ट्रीटमेंट हम लेते गए। उस टाइम पे कोई ऑफिशियल कोर्स नहीं था, हिंदुजा हॉस्पिटल बॉम्बे में एक फेलोशिप का छोटा सा कोर्स था, तो वो हमने वहाँ पे फिर मैं गया 2011 में वो कोर्स किया। उसके बाद फिर एक सर्टिफिकेट कोर्स किया था और अब जाके लास्ट 2-3 साल में जो है वो ऑफिशियल कोर्सेज गवर्नमेंट से स्टार्ट हुए हैं। पर इस 10-12 साल में ये कोर्स करते करते और बाकी एक्सपीरियंस के हिसाब से बाय गॉड्स ग्रेस एक अच्छी ब्रांच मिल गई, एक सेटल हो गई और सेवा करने का ऐसे पेशेंट्स को और बाकी इन्फेक्शन के पेशेंट्स को एक मौका मिला। जी दोस्तों, डॉक्टर मनोज सेवकानी की बातों से एक चीज़ तो मालूम पड़ती है कि अगर कोई भी नई चीज़ आप करने जा रहे हैं तो काफ़ी सारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन आप एक बार डटे रहेंगे तो उसमें बहुत आगे निकल सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी बातें लेके फिर से आएंगे, अब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्ते।